पाल बघेल समाज की कोई भी बात होगी मैं हमेशा नेतृत्व के सामने रखता रहूंगा ईमानदारी से। मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिला, ना तो भाजपा ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जुड़ रहे हैं। आज जो भव्य कार्यक्रम पाल समाज ने करवाया है और सुरेश बघेल जी द्वारा आयोजित हुआ है, क्या पाल बघेल समाज की ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे पाल बघेल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी भी आए इस धरती पे, और कार्यक्रम के आयोजक भाई सुरेश बघेल जी और सभी अतिथि यहाँ मंचासीन मंच पे विराजमान है, और समाज की बहुत तादाद में लोग अपने वाहनों से गांव से चलकर आए, और पाल बघेल समाज का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। पंच से लेके पार्लियामेंट तक पहुंचा हूं तो पाल बघेल समाज का मेरे पे आशीर्वाद रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एकता का जो संदेश समाजों में देना चाहिए वो पाल बघेल समाज में एकता है। पाल बघेल समाज की ताकत अटूट है। पाल बघेल समाज, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है, और इस समाज की प्रगति और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार इस समाज के साथ है। आपकी मुख्य भूमिका रही है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपने यहाँ ग्वालियर में दिया है राजन पाल के रूप में। ग्वालियर चंबल अंचल में बघेल समाज की बड़ी भूमिका है। सुरेश बघेल जी को बसपा ने टिकट दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो कुछ उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मैं इतना कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। मैं कार्यकर्ता होने के नाते दावे के साथ कह सकता हूँ सब समाजों से, पाल बघेल समाज के साथ साथ, के निष्ठा और समर्पण के भाव से इस पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका भविष्य राजनीतिक क्षेत्र में समाज क्षेत्र में अच्छा है। आज अगर आपने राजेंद्र सिंह जी की बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण, इसलिए राजेंद्र सिंह पाल को अध्यक्ष बनाया है। मैंने नहीं बनाया कार्य, मैं तो कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, इस परिवार की बघेल समाज की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकारा। ऐसे ही पाल बघेल समाज की कोई भी बात होगी मैं हमेशा नेतृत्व के सामने रखता रहूँगा ईमानदारी से। विकास को लेकर क्या भूमिका रहेगी? विकास हमारी प्राथमिकता में, और विकास ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, और भी कई काम सामाजिक सरोकार के भी काम हैं। अब देखिए, जो इतिहास है जिन समाजों का, जिन समाजों में महापुरुष आराध्यों ने जन्म लिया, उस इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए सरकार के माध्यम से कई काम ऐसे, आज माता देवी अहिल्या बोर्ड की बात करें तो ये इसी का प्रतीक है। सरकार का मन है कि विकास के साथ साथ सरकार उस मन से काम कर रही है, समाज के सरोकार के भी काम करें, समाज में कैसे जीतना है, समाज अपने इतिहास के बारे में कैसे जाने, हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे साथ मतलब जो भी है तो उनके बारे में अच्छी तरह से विस्तार से जान सके, समाज को समय समय पर सरकार के माध्यम से हम जोड़कर समाजों को, समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिला, ना तो भाजपा ने दिया ना कांग्रेस ने दिया, तो अब उम्मीद है कि आगामी 5 साल बाद कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, इस मध्य प्रदेश की धरती पर बघेल समाज को टिकट दिया था, बघेल समाज को टिकट दिया था, यहाँ नहीं तो पड़ोसी विधानसभा सेवड़ा से दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे कल्याण का जब गठन हुआ था तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बघेल समाज के व्यक्ति को बनाया था, हमारे कुकट निगम के भी अध्यक्ष रहे, आज राजन सिंह जी ये। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाने वाले लोगों का मन अच्छा नहीं होता, सरकार का मन अच्छा नहीं होता, तो बगैर निर्वाचित हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा कैसे मिलता? ये इसलिए संभव हो सका के इस समाज का, भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव मन से और दिल से, इसलिए जो संभव हो सका है। जी बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ भारत सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर सांसद, आज पाल बघेल समाज के भव्य कार्यक्रम में पहुंचे थे।